Hello guys, welcome to my class. In today's video, we are going to read Bihar Board Book Radiance, Part 3rd, Class 8th, Lesson 3rd, The Raja's Dream, Raja ka Sapna. Dear students, ये बहुत ही funny story है, आइए इसको हम लोग read करते हैं और enjoy करते हैं. Have you ever heard a funny strange dream? Ever, कभी भी, funny, हंसी वाला, मजाकिया, मजेदार, स्ट्रेंज, अजीब सा, ड्रीम, सपना. क्या आपने कभी भी हंसी वाला, अजीब सा सपना देखा है? शेयर इट विथ योर क्लासमेट. अगर आपने देखा है तो इसे आप अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए, उनको बताइए. टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी. कनेक्शन, संबंध, रियलिटी, वास्तविकता. तो यदि इसका संबंध वास्तविकता से है तो आप उनको बताइए. राजा कृष्णचंद ऑफन हर्ड हिज कॉर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल. राजा कृष्णचंद नाम है राजा का. ऑफन, अक्सर, हर्ड, सुना था, हिज, उसके कॉर्टियर्स, दरबारी लोगों को कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, दैट की गोपाल लव्ड, गोपाल को अच्छा लगता है, गोपाल पसंद करता है, टू मेक एवरी वन अपियर लाइक फूल. फूल मतलब मूर्ख. तो सबको बेवकूफ बनाना उसे पसंद है, अच्छा लगता है. राजा कृष्णचंद अक्सर अपने दरबारियों को यह शिकायत करते हुए सुने थे कि गोपाल को सबको मूर्ख बनाना, सबको बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है, वो पसंद करता है. There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. There was hardly का मतलब होता है मुश्किल से, anyone, कोई, in the court, दरबार में, who had, जो कि, not at one time, एक बार, और अनदर या दूसरी बार, ट्राइड, कोशिश की हो, टू गेट देयर बैग्स. गेट देयर बैग्स एक idiom है, इसका मतलब होता है किसी की चुटकी लेना. एट गोपाल, गोपाल पर, बट, लेकिन, ऑलवेज, हमेशा, एंडेड अप, अंत हुआ है, लुकिंग लाइक अटर idiots. खुद ही अटर idiots का मतलब होता है निहायत बेवकूफ, निहायत बेवकूफ बन के अंत हुआ है. तो दरबार में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने एक बार या दूसरी बार गोपाल की चुटकी ना ली हो. गोपाल को लोग चिढ़ाते थे और उसकी चुटकी लिया करते थे, तो कोर्ट में, दरबार में ऐसा ही शायद कोई था जिसने गोपाल की चुटकी ना ली हो एक या दो बार, और जब भी वो लोग उसकी चुटकी लेने जाते खुद ही बेवकूफ बन जाते थे. द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू. राजा जानता था कि ये बिल्कुल सही है, सच है. इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर दैन वंस. इट ऑफन, यह अक्सर, रैंकल्ड हिम, उनको क्रोध दिलाता था, उनको गुस्सा दिलाता था. That key, without uttering, बिना बोले, without uttering का मतलब होता है बिना बोले, a single objectionable word, एक भी आपत्तिजनक शब्द. objectionable का मतलब होता है आपत्तिजनक शब्द, आपत्तिजनक शब्द. the jester had made him उनको बनाया था, feel silly, मूर्ख, मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा बार. तो ये अक्सर राजा को क्रोधित कर देता था क्योंकि वो बिना ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले ही एक से ज्यादा बार वो राजा को बेवकूफ बना चुका था. सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल. सो इसलिए वन डे, एक दिन, कृष्णचंद्र, राजा कृष्णचंद ने डिसाइडेड, यह तय किया, यह निर्णय किया, टू अम्यूज
हिमसेल्फ, अम्यूज का मतलब होता है खुश करना, हिमसेल्फ अपने आप को, बाय बैटिंग गोपाल, बैटिंग का मतलब होता है किसी का मजाक बनाकर। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज हम गोपाल को बेवकूफ बनाते हैं और मजे लेते हैं। आह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सून एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। गोपाल, मैंने आज अजीब सा सपना देखा है। राजा ने ये घोषणा की, अगले दिन जैसे ही उन्होंने गोपाल को दरबार में देखा, उन्होंने उससे कहा कि गोपाल, मैंने आज अजीब सा सपना देखा है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अस सुनस, जैसे ही, सौ, देखा, इन द कोर्ट, दरबार में। एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। एंड और एवरी वन, प्रत्येक लोग फेल साइलेंट, चुप हो गए, इन ऑर्डर टू लिसन, सुनने के लिए, टू द किंग्स ड्रीम, राजा के सपने को। और सभी लोग बिल्कुल चुपचाप हो गए राजा के सपने को सुनने के लिए। आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर ए लॉन्ग वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर टू पूल्स। आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने सपना देखा गोपाल, दैट यू एंड आई, तुम और मैं, वर गोइंग, हम लोग जा रहे थे, फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, एंड वी रीच्ड अ प्लेस, और हम लोग पहुँच गए एक जगह पे। वी रीच्ड, रीच्ड का मतलब होता है पहुँच गए, अ प्लेस, एक जगह पर, वेयर, जहाँ पर, देयर वर टू पूल्स, जहाँ पे दो पुल थे। तो यहाँ राजा बता रहे हैं कि गोपाल, मैंने सपना देखा कि तुम और मैं टहलने के लिए गए हैं और हम लोग एक जगह, ऐसी जगह पहुँच जा रहे हैं जहाँ पर दो पुल थे। वन ऑफ द पुल्स वॉज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबल स्मेली डंग। वन ऑफ द पुल्स, अब यहाँ दो पुल का नाम आया हुआ है तो उसमें से एक पुल की बात हो रही है। वन ऑफ द पुल्स, दोनों में से एक पुल, वॉज फिल्ड विथ खीर, वो खीर से भरा हुआ था। मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, रिच मतलब समृद्ध, थिक मतलब गाढ़े, मिल्क मतलब दूध से। जो खीर किससे बना था, समृद्ध गाढ़े दूध से बना था, वो पुल भरा हुआ था खीर से। एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबल स्मेली डंग, अदर यानी कि दूसरा वाला, फुल भरा था, ऑफ हॉरिबल, भयानक, हॉरिबल भयानक, स्मेली बदबूदार, दुर्गंध से, डंग का मतलब होता है मलमूत्र या गोबर से। तो यहाँ राजा बता रहे हैं कि एक पुल जो था वो खीर से, जो कि बहुत ही गाढ़े और समृद्ध दूध से मिलके बना हुआ था, उससे भरा हुआ था, और दूसरा जो था बहुत ही भयानक बदबूदार गोबर मलमूत्र से भरा हुआ था। सडनली आई फेल इन टू द मिल्की पूल एंड यू इन टू रोटिंग मक। सडनली, अचानक से, आई फेल इन टू द मिल्की पूल, मैं दूध वाले पुल में गिर गया, एंड यू इन टू रोटिंग मक। रोटिंग का मतलब होता है सड़ा हुआ, गला हुआ, मक यानी कीचड़, और तुम सड़े गले गोबर में, कीचड़ में गिर गए। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर द कोर्टियर्स, दरबारी लोग, ब्रस्ट आउट लाफिंग, दरबारी लोगों की हंसी छूट गई। ब्रस्ट आउट का मतलब होता है छूट गई। दे ऑब्वियसली रिलिस्ट द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टॉय इन मक। दे, वे लोग, ऑब्वियसली, जाहिर तौर पे, जरूरी तौर पे, रिलिस्ट का मतलब होता है प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, द थॉट ऑफ, इस विचार से, ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टॉय इन मंक, कि जो जेस्टर था गोपाल, हंसाने वाला था, मस्करा था, वो कवर्ड था, कवर्ड मतलब बिल्कुल ढका हुआ था, किससे, फ्रॉम हेड टू टॉय, यानी कि
सिर से लेके टोए तक, पैर के अंगूठे तक इन मक, मक का मतलब होता है कीचड़ से वो बिल्कुल ढका हुआ था। और इस विचार से जाहिर तौर पे वे बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। गोपाल स्टूड अनरफल्ड वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग। गोपाल स्टूड खड़ा हुआ था अनरफल्ड, मतलब कि बिल्कुल अविचलित हुए, शांत, वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग। वो सबका इंतजार कर रहा था उनकी हंसी खत्म होने का। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एक्सैक्टली द सेम ड्रीम। एंड और देन सरप्राइज्ड, और सबको ये आश्चर्यचकित कर दिया, एवरीवन सबको, बाय टेलिंग यह बताते हुए, द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी यानी कि बड़ी विनम्रता से, ग्रेट ह्यूमिलिटी बड़ी विनम्रता से राजा को यह बताते हुए सबको आश्चर्यचकित कर दिया, सरप्राइज्ड कर दिया, दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ऐसा ही, द सेम ड्रीम, ऐसा ही सपना आया था। तो यहाँ पर गोपाल क्या कर रहा है, राजा को बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता से उनको ये बताता है कि मैंने भी एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और इस तरह से वो सभी को आश्चर्यचकित कर दे रहा है। यहाँ पर देखिए कोर्ट में राजा बैठे हुए हैं और गोपाल जस्ट उनके सामने है। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, You mean everything happened in your dream just the way they happened in mine? The king looked, राजा ने देखा, questioningly का मतलब होता है सवालिया नजर से, at Gopal, गोपाल पर, and asked, और पूछा, you mean, तुम्हारा मतलब है कि, everything happened, happened मतलब हुआ, सब कुछ वैसे ही हुआ, इन योर ड्रीम तुम्हारे सपने में, जस्ट द वे दे हैपेंड इन माई, जैसे कि मेरे सपने में हुआ वैसे बिल्कुल तुम्हारे सपने में भी हुआ। तो राजा ने गोपाल को सवालिया नजर से देखा और उससे पूछा कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे भी सपने में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि मेरे सपने में हुआ था। यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। हाँ महाराज, गोपाल कह रहा है, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है पहले, तो केवल आपका सपना जो था वो थोड़ा पहले खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया। My dream continued a little longer, लेकिन मेरा जो सपना था continued जारी रहा, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ा सा लंबा जारी रहा। आई सो बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा, आई सो मैंने देखा, बोथ ऑफ अस हम दोनों लोग, कमिंग आउट ऑफ द पूल हम लोग दोनों लोग पूल से बाहर निकल आ रहे हैं। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक एंड देन आई सो दैट यू वर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर। अब यहाँ पे समझिए, यू कवर्ड इन खीर, गोपाल बता रहा है, यू कवर्ड इन खीर, आप पूरा खीर से ढके हुए थे, एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं कीचड़ से ढका हुआ था, एंड देन आई सो, और तब मैंने देखा, दैट कि यू वर ने आप, लिकिंग मी आप मुझे चाट रहे थे, एंड आई वॉज लिकिंग यू और मैं आपको चाट रहा था, लिकिंग का मतलब होता है चाटना, इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, क्लीन ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को साफ करने के लिए आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, कोर्टियर्स दरबारी लोग ऑलमोस्ट लगभग लगभग, चॉक्ड का मतलब अवाक रह गए, व्हेन जब,
दे हर्ड दिस, जब वे लोग यह सुने। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरी वन, लेकिन दुर्भाग्य से, सबके लिए दुर्भाग्य से, द किंग वॉज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग बींग पुल्ड अ लिटिल। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, फॉर एवरी वन, सबके लिए, द किंग वॉज इन गुड मूड, लेकिन राजा अच्छे मूड में था, एंड डिड नॉट माइंड, और उन्होंने परवाह नहीं की, हिज लेग्स, उसके पैर, बींग पुल्ड अ लिटिल, उसके पैर थोड़ी सी खींची गई थी, उसकी टांग थोड़ी खींची गई, उसका मजाक उड़ाया गया, तो इस पे राजा ने परवाह नहीं किया, दुर्भाग्य से वो बहुत ही अच्छे मूड में था। इनफैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट, इनफैक्ट, बल्कि ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स वीट, वीट का मतलब होता है बुद्धिमानी, चतुराई, बल्कि उसने गोपाल के चतुराई पर, बुद्धिमानी पर थोड़ा सा उसने हंस दिया। गाइस, आई होप ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है, लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।